हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं और वो निर्णय नहीं ले पाता कि उसको क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप धीरे धीरे जब प्रभु में बढ़ते हैं तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है अपने जीवन में कि अब आप प्रभु यीशु मसीह के संग चलेंगे या फिर संसार के संग। इन दोनों चीज़ों में से किसी एक पर आपको निर्णय लेना होता है। लेकिन बहुत बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बाइबल को पूरी रीति से अभी जानते नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन फिर भी बाद में उनको कन्फ्यूज़न होता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे यीशु मसीह में आने के बाद अब मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस तरह बहुत सारे कन्फ्यूजन मसीह लोगों के जीवन में आ जाती है। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक ऐसा ही कन्फ्यूजन है जो बहुत सारे मसीहों को नहीं पता कि ऐसा क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप उस समय पे क्या निर्णय लें। और वो कन्फ्यूजन क्या है, वो है कि जब कोई विश्वासी यीशु पर विश्वास करता है, यानी कि अन्य जाति से जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसके बाद यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अगर उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या उस व्यक्ति को जला देना चाहिए चिता पे रख के, या फिर कब्रिस्तान में ले जाकर उसको दफना देना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा एक ऐसा सवाल है जो मसीहों के मन में रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार से एक सवाल हमसे किसी भाई ने पूछा है, नकुल तांडे जी ने हमसे पूछा है। उनका कमेंट हमारे पास आया, उन्होंने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा है, ब्रदर, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वह अगर मर जाए तो उसको जलाना चाहिए या गाड़ देना चाहिए? वीडियो बनाकर जरूर बताएं। परमेश्वर की स्तुति और महिमा, यीशु मसीह के नाम से आपका आशीष, आमीन। इस प्रकार से इन्होंने कमेंट लिखा है। तो इनका सवाल बहुत ही जायज सवाल है। बहुत सारे मसीह भाई बहन आप लोग भी हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हो, सकता है आपके मन में भी ये सवाल रहा होगा या अभी भी होगा कि क्या एक मसीह व्यक्ति जो कि अन्य जाति से आते हैं उसके बाद अगर यीशु मसीह में आने के बाद उनकी मृत्यु होती है तो क्या उनको जला देना चाहिए? क्योंकि जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमारा जो सिस्टम था वो यही था कि मरने के बाद इंसानों को, मनुष्य को चिता पर रख के जला दिया जाता है। लेकिन अब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परंतु बाइबल में तो ऐसे जलाने के बारे में नहीं लिखा गया है, तो हम क्या करें? तो इस पर मैं बड़े डिटेल में आज इस वीडियो को बना रहा हूं। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है, क्या एक इंसान के मरने के बाद, मनुष्य के मरने के बाद उसको जलाना सही है या फिर मिट्टी के अंदर दफना देना सही है। उसके लिए कुछ बाइबल के वचन मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं और उससे हम देखेंगे कि किस तरह से वचन हमसे बातें करता है, कैसे हम वचन से चीजों को जान और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और वचन 7 आयत। तो अगर हम वचन 7 में अगर हम पढ़ते हैं 2:7 में, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रभु का वचन यहां कहता है परमेश्वर ने आदम को, यानी कि संसार के प्रथम मनुष्य को कैसे बनाया, भूमि की मिट्टी से बनाया। यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति मिट्टी से हुई है, मनुष्य मिट्टी से निकालकर बनाया गया। परमेश्वर ने उसे पहले एक मिट्टी का पुतला बनाया, फिर उसमें अपने नथुनों से श्वास फूंका और उसके अंदर प्राण आ गए, आत्मा आ गई और वो जीवित प्राणी बन गया। तो सबसे पहली चीज तो है कि जो भी संसार में है, जितने भी मनुष्य, चाहे वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हों या ना करते हों, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, कोई भी हो, सब के सब मिट्टी से बनाए गए हैं। यानी कि प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति मिट्टी से हुई है और उसके बाद जितने भी आए हैं वो मिट्टी उसके अंदर है। इसीलिए वचन कहता है कि, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य मिट्टी से बनाया गया है। तो यहां तो बात होती है कि इंसान क्या है, वो मिट्टी है, ना ही वो आग है, ना ही वो लकड़ी है, ना ही वो पानी से बनाया गया है, वो एक्चुअल में मिट्टी से बनाया गया है। ठीक है, मिट्टी का पुतला लेकर मिट्टी से बनाया गया है। और अगर हम उसके 3 आयत को पढ़ते हैं और उसके 3 अध्याय के 19 आयत, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 19 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। 3:19 में लिखा हुआ है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यहां पर परमेश्वर आदम को इस बारे में कह रहा है कि तू मिट्टी है और मिट्टी से ही निकाला गया है और उसमें यह अंत में मर जाएगा, कठिनाइयों भरा जीवन जिएगा, मुसीबतों में चलेगा और अंत में जाकर जहां से आया है उसी में मिल जाएगा। ये घटना क्या हुई, जब मनुष्य ने पाप किया,
आदम और हव्वा ने फल खाया जिसके विषय में परमेश्वर ने मना किया था, और पाप करने की वजह से आदम उनके जीवन में कुछ बातों को बोलते कि तुम अब क्या करोगे, तुमने पाप कर दिया है, मेरी आज्ञा को तोड़ दिया, इसलिए अब से तुम अपने माथे के पसीने की कमाई यानी कि मेहनत करके खाओगे और बाद में अपने बुढ़ापे में या किसी भी प्रकार से आपकी मृत्यु होगी तो तुम मिट्टी में ही मिल जाओगे क्योंकि तुम उसी में से निकाले गए हो। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बाइबल पर विश्वास करता है, अब उसके लिए मिट्टी ही बन गया है, अब उसे कब्र में डालना जरूरी है क्योंकि मिट्टी से निकाला गया है और मिट्टी में ही जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को कहा है। अब हम देखते हैं कि अब्राहम भी मिट्टी में मिलाने की, अब्राहम की मौत हुई तो अब्राहम को क्या किया गया, उसको भी दफनाया गया। उत्पत्ति 25 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं अब्राहम के जीवन के बारे में लिखा है कि जब अब्राहम मरा तो उस समय अब्राहम को भी मिट्टी में ही दफनाया गया। 25 अध्याय उत्पत्ति 7-8-9 को हम पढ़ेंगे। यहां पर देखिए लिखा है, अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घ आयु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे का अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रेन की मरमे की सम्मुख वाली भूमि में जो मेकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दी। यहाँ पर अब्राहम की मौत के बारे में लिखा है कि उसके जो पुत्र थे इसहाक और इस्माइल उन्होंने उसको मिट्टी दी यानी कि दफनाया। अब्राहम के मरने के बाद उसको दफनाया गया, जलाया नहीं गया है। ये तो बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर के जितने भी लोग हैं उनको दफनाया गया, जलाया नहीं गया है। यीशु मसीह के बारे में भी हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की मौत हुई तो उनको कब्र में रखा गया था, उनको जलाया नहीं गया था। बाकी जितने भी लोग इज़राइल में मरते थे उनको कब्र में रखा जाता था, आज भी कब्र में दफनाया जाता है, उनको जलाया नहीं जाता है। इसीलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके बाद अगर आपके जीवन में ऐसी कोई घटना होती जहां पर आपको निर्णय लेना पड़ता है कि चलो अब इसे दफनाया जाए कि जलाया जाए, क्योंकि हम पुराने समय में यहाँ पर पुराने जीवन में हम तो जलाया करते थे लेकिन अब हम यीशु पर विश्वास करते तो हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे प्रियो बाइबल यहाँ पर कहती है कि हमें दफनाना चाहिए जैसा कि बाइबल में लिखा है। हम मूसा के बारे में भी देखते हैं तो मूसा को भी दफनाया गया था, उसको मिट्टी दी गई थी। अगर उस आयत को भी पढ़ना चाहते हैं तो व्यवस्था विवरण की किताब उसका 34 अध्याय के 5-6 में अगर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। तो यहां पर मिट्टी देने के विषय में कहा गया है कि उस व्यक्ति को मूसा को मरने के बाद मिट्टी दी। मिट्टी देने का अर्थ ही होता है दफनाया जाना, वहाँ पर जलाने के विषय में नहीं कहा गया। तो अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, तो आपको समझना होगा कि अब आप संसारिक रीति रिवाज में नहीं हैं, अब वो काम आप नहीं कर सकते जो कि आप यीशु मसीह में आने से पहले करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और परमेश्वर का नियम कहता है कि जो मिट्टी से निकाला गया वो मिट्टी में मिल जाए। इसलिए एक मसीह व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद, चाहे वो भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, बच्चे हो, किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाया नहीं जाता है, उसको दफनाया जाता है। तो इसलिए अगर आपके मन में भी ये सवाल रहा होगा कि हम तो मसीह में आ गए हैं लेकिन हमारे परिवार में बहुत सारे लोग मसीह में नहीं हैं तो वो हमें ज़बरदस्ती करेंगे कि जला दो जला दो, तो हम तब क्या करें। तो देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपको तो ये याद है कि वचन में लिखा है कि मनुष्य को मिट्टी में दफनाना है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसे माहौल हो जाता है कि आपकी कोई सुनता नहीं है, आपकी बातों को कोई नहीं सुनता। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने परिवार में प्रभु में अकेला हूँ और कोई मेरे परिवार में नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, कोई भी भाई बहन नहीं है मेरे प्रभु में, लेकिन मेरी पत्नी है। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी पत्नी क्या करेगी, वो दफनाने के लिए कहेगी, लेकिन अगर मेरे परिवार वाले ज़बरदस्ती करेंगे मेरे पत्नी को दफनाने नहीं देंगे मुझे, लेकिन वो कहेंगे जलाओ, तो मेरी पत्नी अगर नहीं कर पाएगी तो क्या पाप होगा? नहीं मेरे प्रियो, उसका मन तो है मुझे दफनाने का, वो चाहती तो है कि बाइबल के अनुसार मुझे दफनाया जाए, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करके मुझे जला देगा तो उससे क्या कोई नुकसान होगा? देखिए सबसे पहली चीज, चाहे आप दफना दिए जाओ, जला दिए जाओ, जब न्याय का दिन आएगा तो सब जिंदा हो जाएंगे, सबका न्याय किया जाएगा, सबको मुर्दों का जो आग में है उनको भी परमेश्वर जिंदा करेगा, जो पानी में मरे उनको भी जिंदा करेगा, लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग जो है दफनाना है, जलाना नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती आपको जला देता है, आपके बात को नहीं मानता है, तो फिर आप कर भी क्या सकते हैं?
लेकिन प्रार्थना करिए कि परमेश्वर ऐसा ना होने दे और आपके जीवन में इन सब बातों को परमेश्वर सब कुछ उत्तम रीति से करे। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो सवाल भाई नकुल तांडे जी ने पूछा था कि क्या एक विश्वासी को मरने को जलाना या दफनाना चाहिए, उसका जवाब मिल गया है और आप लोगों को भी इसका जवाब मिल गया है। तो याद रखिए, एक मसीह व्यक्ति को कभी भी मरने के बाद जलाना नहीं चाहिए, उसे मिट्टी में दफनाना है।